घ्नस्य तस्यैव करस्य शस्त्रः स्वस्यात्त शस्त्रेण कदाकरेण निपातितो भूमितले तदेतद् रोषाभिभूतो न विवेद बालः। अनंत कंद परमात्मा के अंशभूत छत्रपति शिवाजी महाराज की इस दिव्य कथा का निरूपण काशी के विद्वानों के समक्ष करते हुए कविंद्र परमानंद वर्णन करते हैं। बाल शिवाजी लौट करके तो आया, लेकिन विजापुर की ओर गया हुआ शिवाजी और विजापुर से लौट करके आया हुआ शिवाजी, इन दोनों में महद अंतर निर्माण हो गया। शाहजी राजा ने जीजा माता से कहा, सही कि तुमने अपने पुत्र को क्या संस्कार दिए, बादशाह के सामने झुकना भी उसको आया नहीं। इसका जो उत्तर जीजा माता के पूछने के पश्चात बाल शिवाजी ने दिया था, उसे हमने देखा। यह उत्तर उनके मुख से आया, इसका मुख्य कारण यह था उनके अंतकरण में अत्यंत क्षोभ भरा हुआ था। विजापुर की यात्रा उन्हें अत्यंत अंतर्मुख करती गई, स्थान स्थान पर भग्न मंदिरों को देखा, चौराहों पर कटती हुई गौ माताओं को देखा, डरे हुए सामान्य किसानों को देखा, पकड़ पकड़ कर घसीट करके ले जाती हुई ललनाओं को देखा, दृश्य देखने के पश्चात सच्चा परिणाम होता है। मित्रों, यह सब शिवाजी ने सुना तो था, ऐसा नहीं कि यह सब बातें वे आज जान रहे थे। जीजा माता के रोज के बोलने में इस प्रकार की कुछ कुछ बातें हुआ करती थी। कल हम लोगों ने जीजा माता का जो उपदेश श्रवण किया, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं कि जीजा माता ने शिवाजी को बैठा करके एक लेक्चर सुनाया, भाषण सुनाया, ऐसा नहीं है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते घूमते, माता की सन्निधि में ये सारे विचार शिवाजी महाराज के अंतरंग में संक्रमित हो रहे थे। बार बार मां अपने मुख से बतलाती भी थी। ये सारा उनके उपदेश का सार, हमारे धर्म का सार है, और इसलिए कुलस्य वर्णस्य च राष्ट्रकस्य धर्मो हि कक्का च परंपरा मे अहर्निशं चिंतय सम्यगेवं चिंतामणिश्चिंतनमेतदेव। मैं कौन हूं, मेरा परिवार कैसा है, मेरा समाज कैसा है, मेरा राष्ट्र क्या है, मेरे कुल की परंपराएं क्या है, उन कुल की परंपराओं का पालन हो रहा है कि विध्वंस हो रहा है। जीजा माता एक बात कहती थी, बेटा इसका विचार करते रहो। इस प्रकार की बातों का चिंतन करना ही जीवन का सबसे बड़ा चिंतामणि होता है, वो मनुष्य के भविष्य को बदल देता है। वेदांत में भी तो चिंतन किया जाता है, कस्त्वं कोहं कुत आयातः काते जननी कोते तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचार। भगवान आचार्य यही तो कहते हैं कि चिंतन करो,
चाहे निश्रेष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला मोक्ष का साधन है अथवा व्यवहार के उन्नति के लिए अभ्युदय के लिए किया जाने वाला चिंतन है, चिंतन सर्वत्र आवश्यक है और चिंतन कैसे करना चाहिए आपको सीखना हो ना, हाउ टू थिंक, इसके ऊपर अंग्रेजी में पुस्तकें हैं, मैंने पढ़ी है। लेकिन चिंतन का सबसे बड़ा आदर्श हनुमान जी महाराज है। अरे कभी तो भी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के पन्ने पलटो और हनुमान जी चिंतन कैसा करते इसको देखो। चिंतन करने वाला व्यक्ति ही सही निर्णय तक आता है। मैं दो प्रसंग आपके सामने केवल रखूंगा, अध्ययन के लिए रखूंगा। अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर विराजे हैं। वहां का एक चिंतन बाद की बात है। उसके पहले पूरी तरह सावधानी के साथ सर्वत्र घूम घूम करके पूरी रात उन्होंने भगवती सीता जी का अन्वेषण किया और भगवती सीता जी कहीं पर भी नहीं मिली। एक बार उनको भ्रम हो गया था मंदोदरी को देख करके कि शायद यही सीता जी है, लेकिन तुरंत वो भ्रम उनका दूर हो गया, उनके विवेक से दूर हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, माताजी तो नहीं मिली। कभी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का वह अध्याय युवकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। हाउ टू थिंक, हाउ टू कम टू अ कंक्लूजन। सौद के ऊपर बैठे बैठे ठंडी हवा में हनुमान चिंतन कर रहे हैं अब मेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य क्या हो सकता है, हम जैसा होता तो यही कहता कि भाई जितना प्रयास करना था मैंने कर लिया, अब नहीं मिली तो नहीं मिली, अब लौट करके चला जाऊं। फिर हम में हनुमान जी में अंतर क्या होता है। हनुमान जी बैठे बैठे विचार करते हैं मैं लौट करके जाऊं कैसे। जब भगवान श्री राम को मैंने सीता जी के वियोग में इतना रुदन करते हुए देखा है, उन्हें जाकर के मैं कैसे सुना दूं कि माता जी नहीं मिली। इसका परिणाम उनके ऊपर क्या होगा। अच्छा उनको केवल मेरी एकमात्र आशा थी। बहुत सारे लोग बहुत सारे वानर वहां पर थे सही, लेकिन ध्यान रखना भगवान ने मुद्रिका हनुमान जी के हाथों में दी। अरे लोग बहुत होते हैं, विश्वास पात्र एकाद दूसरा ही होता है, ध्यान रखना, जो सच्चा काम करेगा। Many are called, but few are chosen. वैसे बहुत सारी भीड़ होती है। विश्वसनीय व्यक्ति कौन है। हनुमान जी को इस बात का पता है कि प्रभु को मेरा विश्वास है, मैं लौट करके जाऊं और ये बता दूं कैसे, भगवान पर क्या परिणाम होगा। भगवान मूर्छित हो जाएंगे, कदाचित दम तोड़ देंगे। फिर लक्ष्मण पर क्या परिणाम होगा, सुग्रीव पर क्या होगा, अंगद पर क्या होगा। अरे नहीं नहीं मैं जा नहीं सकता। देखो हनुमान जी की एक विशेषता है, ही सेट्स द ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और एक एक को कट करते जाते हैं। ये थिंकिंग की प्रोसीजर है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। अच्छा फिर मैं वनवासी भविष्यामि, मैं यहीं पर रह करके वानप्रस्थो भविष्यामि, यहीं पर रहूं, लौट करके जाऊं ही नहीं। फिर भगवान मेरी कितनी प्रतीक्षा करेंगे, कहां तक बाट जोते रहेंगे। नहीं
पराभूत हो गया मैं, मुझे स्वयं को जला लेना चाहिए। लेकिन मेरे जलने से क्या होगा? सागर में कूद करके प्राण दे दो, उससे भी क्या होगा? एक 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 विकल्प हनुमान जी अपने सामने रखते हैं और किस विकल्प का स्वीकार करने से उसका परिणाम क्या क्या होगा इसका चिंतन भी वो करते हैं, वो सब वहां पर दिया है। और एक एक बात को काटते हुए कहते हैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता मैं, ये सब बातें गलत है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने विचार किया, एक ही बात योग्य है, एक बार मैं प्रयास कर लूं, अपने बलबूते पर मैंने ये प्रयास किया खोजने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। हनुमान जी के ध्यान में एक बात आई कि मुझे स्थान देवताओं को प्रणाम करना बाकी रह गया, एक बार पुनः इन देवताओं की सहायता उनकी कृपा लेकर के मैं आगे बढ़ूं, एक बार प्रयास कर लूं केवल, और यदि उस प्रयास में भी मैं सफल नहीं हुआ, देन व्हाट इज द लास्ट अल्टरनेट? हनुमान जी का निश्चय यह हो गया, एक बार प्रयास करता हूं, सफल यदि नहीं हुआ तो मुझे एक ही बात करनी चाहिए, मैं रावण को यहां से उठा करके ले जाऊं और भगवान के सामने ले जाकर के पटक दूं और फिर कहूं कि इस पापी से पूछो माता जी कहां है। ये चिंतन है हनुमान जी का। वहां पर फिर अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए, सीता जी के साथ बात कैसे करनी चाहिए? अच्छा, सीता जी के साथ मुझे माता जी के साथ बात करनी है तो मेरा रूप कैसा होना चाहिए? अच्छा, मेरी भाषा कौन सी होनी चाहिए, कौन सी भाषा में बात करूं? यदि वाचम प्रवक्ष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणम मन्यमानामाम सीता भीता भविष्यति। यदि संस्कृत भाषा में मैं बात करूंगा तो रावण संस्कृत का पंडित है, वेशांतर करके आया हुआ मुझे रावण मान करके भगवती जानकी मेरे साथ बात नहीं करेगी, क्योंकि रावण ने भी तो वेशांतर करके उनको धोखा दिया था। अच्छा, वानरों की भाषा में बात करूं तो वो तो समझेगी नहीं, हनुमान जी बहुभाषाविद थे इसलिए उन्होंने चयन क्या किया, भाषा को भी चुनना पड़ता है। हनुमान जी ने विचार किया, मुझे अवध की भाषा में बात करनी चाहिए ताकि सीता जी समझ जाए कि मैं यहां का नहीं हूं, एक बात। और दूसरी बात, जो अपनी भाषा में बात करता है ना वो समीप का लगता है। और फिर हनुमान जी ने अपनी भाषा में बात करने का निर्णय किया, लेकिन सामने जाकर के सीता जी मेरे साथ बात करें इसके लिए उनके मन को मुझे पहले तैयार करना चाहिए, वो कैसे करूं? वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी ने राम कथा का गायन करना आरंभ किया। राम कथा का पहला गायन लंका में हुआ, जिसमें हनुमान जी वक्ता है और भगवती जानकी श्रोता है, अत्यंत श्रद्धा के साथ मधुर वाणी से हनुमान जी ने राम कथा का गायन करना आरंभ किया। और सीता जी समझ नहीं पा रही है, ये हमारी कथा कौन सुना रहा है? मूल बात, हमें राम कथा नहीं देखनी है, चिंतन करना सीखना चाहिए। हर महापुरुष एकांत में चिंतन करता है, एकांत का चिंतन अपने जीवन में महापुरुषत्व के बीजों को बो देता है। समर्थ रामदास स्वामी कहते अखंड चालनाची करागी, थोड़ा एकांत में बैठ करके चिंतन करो। चिंता मणिश्चिंतन में तदेव, बाल शिवाजी ने माताजी के सारे संस्कारों को आत्मसात किया था और इसलिए
वे स्वयं केवल प्रवास करके नहीं आए, चिंतन करते रहे। और उनके मन में क्षोभ निर्माण हो गया। सिंहासने सुमणिकांचन पाद पीठे तंकिं प्रभुंच निज धर्म विरुद्ध भूतम स्मृत्वा बलाढ्य निज बांधव वंदिराघ्रिं स्थायी रसोस्य सहसा प्रशमुद्दीपे। अत्यंत क्लेश उनके अंतकरण में हो रहा था कि मैंने वहां म्लेच्छों को तो उस अदिल शाह के सामने मस्तक झुकाते हुए देखा, लेकिन मेरे जाति बंधुओं को देखा, मेरे पिताजी को देखा, गोमाता की पूजा करने वाले हम लोग इन गोबक्षकों के आगे क्यों झुकते हैं? शिवाजी का चिंतन, रोज देवताओं की पूजा करने वाले हम लोग देव मंदिरों को तोड़ने वाले लोगों के सामने क्यों झुकते हैं? कितना वैभव मैंने देखा, अरे कैसे वे विशाल भवन, कैसा वह दुर्ग, कैसी वे तोपे, कैसे वे हाथी, ये कहां से आया? ये मेरी भोली भाली जनता को लूट करके इन पापियों ने, इनको चूस करके, इनको मार करके इन पापियों ने अपने महलों को भरा। कामोपभोग दुर्मद शासकानां दुश्चेष्टितैरति भयार्त कुलीन नारीं ताम लेच्छ राज नगरीं स्मरत शिवाजी स्मरत शिवस्य जज्वाल भाल नयन प्रखरम मनोपि। शिवाजी विचार में अत्यंत प्रखर है, ये सारी लक्ष्मी इस राष्ट्र को, इस देश के गरीबों को लूट करके जमा की हुई है। रात्रौ विनिद्रमति चिंतन मग्न चित्तम प्रातः कषायत विलोचनम अप्रसन्नम मध्यं दिने विगत भोज्य रसम श्रुतम स्वम दृष्ट्वैव मातृ हृदयम विकली बभूव। शिवाजी को रात में नींद नहीं आई, जिसके सामने महान लक्ष्य होता है उसको सोने का समय नहीं होता है। द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ड, द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ड वेर नॉट अटेंड बाय सडन फ्लाइट्स बट दे व्हेन देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वेर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। रात रात